नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अलग अलग स्टेट में किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उस स्टेट में गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकली है जिसमें जीवित पंजीयन मंगा गया है पैरामेडिकल काउंसिल से, तब आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। या फिर अगर आपको फॉरेन कंट्रीज जानी है, दूसरे कंट्री में आपको काम करना है लाइक दुबई, तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले मंगती है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हमारा काम आता है। अब बात करते हैं, अलग अलग केस है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ाई की है MP से, यानी कि मध्य प्रदेश से, लैब टेक्नीशियन या फिर कोई सभी पैरामेडिकल का कोर्स वो हो सकता है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपका जो डोमिसाइल है यानी कि आप जो निवासी हो वो मध्य प्रदेश से हो लेकिन आपको छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। किस लिए नहीं हो सकता? क्योंकि आप MP के निवासी हो, आपने पढ़ाई वहीं किया है, तो आप MP में जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, छत्तीसगढ़ में नहीं करा सकते। लेकिन अगर आपने MP में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन चाहिए क्योंकि आपका जो डोमिसाइल है वो छत्तीसगढ़ का है, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल काउंसिल से NOC लेकर आना होगा और उसी NOC को आपको सबमिट करना होगा छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल से, तब आपका रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप निवासी हो छत्तीसगढ़ के, तो आपका जो है MP का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ में आपका जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं कि जिस स्टेट में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है लाइक पंजाब, तो पंजाब में अभी तक पैरामेडिकल काउंसिल गठित नहीं किया गया है, लेकिन इसका प्रयास अभी तक चल रहा है कि वहाँ भी पैरामेडिकल काउंसिल होना चाहिए। तो उस स्टेट में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते अगर आप वहाँ के डोमिसाइल हो। तो अगर आप वहाँ के डोमिसाइल हो तो आप वहाँ के रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, लेकिन पंजाब में पढ़ने के बाद आपको छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन कराना है। क्यों? क्योंकि आपका जो डोमिसाइल है वो छत्तीसगढ़ का है, तब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 रूल दिए हुए थे, उसमें से एक रूल ऐसा था कि अगर जो कोई बाहर स्टेट से पढ़कर आता है जहाँ पर पैरामेडिकल काउंसिल गठित नहीं है, परंतु UGC मान्यता प्राप्त संस्था से अगर वो पढ़ाई करता है तो उसका जो है सत्यापन प्राप्त करके रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ऐसा छत्तीसगढ़ का रूल है। तो छत्तीसगढ़ वाले अगर ऐसे पढ़ाई करके आए हैं बाहर से जहाँ पर पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है और UGC मान्यता प्राप्त संस्था से पढ़े हैं, तब उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है अगर कोई भी उसमें फॉल्ट ना हो तो। तो इस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन होता है। हर स्टेट में अलग अलग रूल होती है, कुछ स्टेट में हमारे जैसे ही रूल हो सकता है और कुछ स्टेट में थोड़ा अलग रूल हो सकता है, तो ये आपको पता करना है खुद से, क्योंकि मैं आप सभी को एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ पर उसके पैरामेडिकल काउंसिल अलग अलग है। अगर आप वहाँ पर पैरामेडिकल काउंसिल में विजिट करोगे तभी आपको ये बात पता चल पाएगी, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग है और ये लोग जल्दी से ये चीज़ बताते भी नहीं। तो आप पर्सनली विजिट कीजिए पैरामेडिकल काउंसिल, वहाँ पर पता कीजिए, उसके बाद फिर आप मुझे भी बता सकते हो कि क्या कंडीशन है, क्या रूल है, वो मैं आप सभी को जो है शेयर करूँगा आपके माध्यम से ही। तो यही बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आपने दूसरे स्टेट से पढ़ाई कर लिया है, आपको दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है? आपने जिस स्टेट में पढ़ाई कर लिया ना, तो वहाँ का तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है अपने स्टेट में, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जहाँ पर आपने पढ़ाई किया है वहाँ का NOC ला के वहाँ पर जमा करना होगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आपने जिस स्टेट में पढ़ाई की है वहाँ पर पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है, तो वहाँ का भी अलग अलग रूल है, डिफरेंट रूल है डिफरेंट स्टेट के, तो वो रूल को फॉलो करके ही आपको अप्लाई करना होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।